स्वागत है आपका इस वीडियो में यहां हम बात करने जा रहे हैं इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन एंड क्लाउड एप्लीकेशन के बारे में सी ए इंटर चैप्टर नंबर टू फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अंडर द टेक्निकल कॉन्सेप्ट जहां हम वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं एंड देन आफ्टर वी टॉक अबाउट द यूजिंग द सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए and 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 we we have have two way to to use it one is the installed application and one is is the 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 installed installed application 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 you know uh, cloud cloud so we have to understand what the, what's the difference between installed and the cloud application. और आपको मैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा चुके हैं और जिन टॉपिक से एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं जाहिर सी बात है वो important है और चूंकि प्रीवियसली इससे सवाल पूछा गया है तो ये आपके important लिस्ट में जरूर होना चाहिए

अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है दोनों में किस तरह से काम होता है दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें एज द नेम इंडिकेट्स इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन का मतलब है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम पे आपके लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा आपके पास कंप्यूटर है आपने कई तरह के एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखा हुआ है जब आप उसे एक्सेस करना चाहते हैं यू सिंपली गो एंड क्लिक द आइकन और आपके कंप्यूटर पर खुलकर चलाता है और आप उसे आसानी से एक्सेस कर पाते हैं इसके लिए आपको किसी तरह के की इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती ना ही आपको वेब ब्राउजर चाहिए सो यू विल फाइंड दैट इन द केस ऑफ इंस्टॉल्ड एप्लीकेश्लीकेशन एंड डेटा

एज फर एज क्लाउड एप्लीकेशन कंसर्न सो क्लाउड एप्लीकेशन की हम बात करेंगे तो वी कैन सिंपली रेफर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हम जानते हैं क्लाउड के केस में क्या होता है जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो वेंडर्स होते हैं वेंडर ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वेंडर ने कई तरह के सॉफ्टवेयर लगा रखे हार्डवेयर्स लगा रखे और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वो क्या करते हैं वर्चुलाइज करते हैं उसके थ्रू वो हमें सर्विसज ऑफर करते हैं तो अगर हम क्लाउड एप्लीकेशन की बात करें तो हम कहते हैं इन दिस केस एप्लीकेशन आर इस्टॉल्ड एट द वेंडर्स एंड

उड so, like तो वेंडर uh, के साथ हमने पार्टनरशिप करेंडरेशन को एक्सेस करना शुरू किया मेरा डेटा क्लाउड वेंडर के पास ही रहेगा और हमारे जो भी इंप्लाइज है हमारे अकाउंटेंसी फर्म में वो जब भी एक्सेस करना चाहे डेटा को एप्लीकेशन को देके सिंपली एक्सेस थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी So, आसान हो गया इसी देखोगे आज आज के डेट में ऑफ आर ऑप्टिंग द क्लाउड मेजोरिटीकेशन बिकॉज कॉस्ट भी कम आता है आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता है और साथ ही साथ बहुत आसानी से पे एज यू गो बेसिस पे आप उसे एक्सेस कर सकते हैं सो दैट्स द द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड एप्लीकेशन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है डिफरेंशियट द टू इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप इनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो दैट मे बी ए क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है इनफैक्ट उ कैन बी डिफरेंशियट तो फिर से हम उस कोड को वापस लाते हैं जो मैंने आप थोड़ी देर पहले बताया था दिस कोडिस पर्टिकुलर है जिसके आधार पर हम दोनों हीशन uh, को ईजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सो ही स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस राइट ए स्टैंड फॉर एसेबिलिटी एम स्टैंड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन I stands for installation and maintenance. D stands for the first D. D stands for data security. The second D stands for data storage. Isko I see the statement ko And the last one is the flexibility. So you can simply see that you have seven major factors based on which you can you can easily distinguish installed and the cloud application. P stands for performance. A stands for accessibility. M stands for mobile application. I stands for installation and maintenance. D for data security. Second D, data storage. And then we have the flexibility. So altogether we have seven different factors based on which we can easily distinguish installed and cloud applications. Let's see. Sequence ka koi matlab nahi. Main aapko So my sequence won't be same as in the mnemonic. So let's start with the first one.

इंडिविजुअली और साथ ही साथ आपको इंडिविजुअली उन पीसी को कंटिन्यूअस बेसिस पे मेंटेन करके भी रखना होगा ताकि आपके इंप्लॉय अच्छी तरह से काम कर सके तो जरा गौर करो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के केस में हमने कहा अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पांच कंप्यूटर्स हैं तो हमें पांचों कंप्यूटर पे एप्लीकेशन को इंडिविजुअली इंस्टॉल करना होगा और उसे हमें कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखना होगा लेकिन इन द केस ऑफ क्लाउड एप्लीकेशन सीनारियो इज टोटली डिफरेंट वट हैपन्स यज की आर क्लाउड वेंडर प्रोवाइडर जो है उन्होंने एप्लीकेशन को होस्ट करके रखा होता है अपने डेटा सेंटर पर दे हैव दब सर्वर देव उन्होंने एप्लीकेशन को वहां रखा है और उस एप्लीकेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम माई ऑफिस राइट right? सो so, यहां हमें हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती क्लाउड वेंडर ने एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड करके रखा हुआ है जिस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए व्हाट वी नीड इज द वेब ब्राउजर एंड द इंटरनेट कनेक्टिविटी हम अपने मोबाइल फोन से स्मार्टफोन से या फिर हम uh, अगर टैबलेट यूज करें आप लैपटॉप यूज करें आप कंप्यूटर डेस्कटॉप यूज करें आप एनी डिवाइस वट यू नीड इज अ वेब ब्राउजर एंड द इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड यू कैन ईजिली गेट एक्सेस टू द एप्लीकेशन विच आर होस्टेड ऑन द साइट ऑफ वॉट

क्लाउड एप्लीकेशन की बात करें यहां हमें कुछ नहीं करना ऑल इंस्टॉलेशन एंड और हम इजीली उसे क्या कर पाते हैं एक्सेस कर पाते हैं so जाहिर सी बात है फर्स्ट इज इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस सेकंड इज मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट इज मोबाइल एप्लीकेशन तो हम कहते सर मोबाइल एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इन द केस ऑफ इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट

तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं हियर वी कैन यूज द मोबाइल एप्लीकेशंस वेरी इजीली आप अब देखो बैंक है बैंक हमें क्या देता है मोबाइल ऐप देता है जिसके थ्रू हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं बैंक ऐसा क्यों कर पाता है बिकॉज बैंक के जो एप्लीकेशन है बैंक का जो डेटा है वो ट्वेंटी फोर सेवन अवेलेबल है डेटा सेंटर हमेशा काम कर रहा है एंड दैट इज वाई यू कैन डू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन राउंड द क्लॉक आप इसलिए कर पाते हैं क्योंकि डेटा और एप्लीकेशन कंटिन्यूअसली क्या है अवेलेबल है लेकिन लेकिन जो आपका इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम है या आप कह सकते हैं जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है यहां मोबाइल एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे उस स्केल पे थर्ड इज द एसेबिलिटी ना एसेसिबिलिटी का मतलब क्या है हाउ इज ईज ऑफ एक्सेस आप ऐसे समझो तो किसी एक्सेस करना ज्यादा आसान है सपोज यू हैव अ कंप्यूटर सिस्टम इन योर हाउस और उसमें आपने कोई सॉफ्टवेयर डाल के रखा हुआ है और किसी काम से आप बाहर जाते हैं जब आप बाहर गए तो आपको उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की जरूरत हुई नाउ हाउ कैन यू एक्सेस इट हम कहते हैं सर संभव ही नहीं है वी विल हैव टू टू गेट बैक होम घर जाएंगे तब तो उस कंप्यूटर को ऑन करेंगे उसे एक्सेस करेंगे दैट इज द द प्रॉब्लम विद इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन एक्सेसिबिलिटी का इशू होगा क्योंकि अगर आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको उसी कंप्यूटर पे जाके एप्लीकेशन को एक्सेस करना होगा आप कहीं और से उस एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते बट इन द केस ऑफ क्लाउड एप्लीकेशन सीन इज टोटली डिफरेंट हाउ हम कहते हैं सर डेटा एंड एप्लीकेशन आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक वी कैन एक्सेस दैट वट वी नीड इज अ डिवाइस इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड अ वेब ब्राउजर दैट सेट अगर हमारे सिस्टम में हमारे लैपटॉप पे हमारे फोन में वेब ब्राउजर है और इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो हम आसानी से कहीं से किसी भी वक्त क्लाउड एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो तो एक्सेबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्लाउड एप्लीकेशन इज बेटर एज कंपेयर टू वट इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन राइट सो नंबर फोर इज अ डेटा सिक्योरिटी डेटा सिक्योरिटी नाम किसमें ज्यादा डेटा सिक्योर होगा अगर हम बात करते हैं इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की तो डेटा इज इन योर प्रिमाइस आपके कंप्यूटर पे है, आपके लोकल सर्वर पे डेटा रखा हुआ है जिसे आप फिजिकली लॉजिकली बहुत आसानी से सिक्योर कर सकते हैं बट इन द केस ऑफ क्लाउड क्लाउड एप्लीकेशन योर डेटा इज विद थर्ड पार्टी द वेंडर जहां वो वेंडर सिर्फ आपको ही सर्विस नहीं दे रहा है वो कई सारे लोगों को सर्विस दे रहा है तो जाहिर सी बात है वहां डेटा लीकेज का टेंशन आपको हमेशा बना रहेगा और यही रीजन है कि हम कहते हैं जब भी आप क्लाउड सर्विस लेने जाते हैं तो आप बहुत ही ट्रस्ट वर्दी वेंडर से सर्विस लेनी चाहिए क्योंकि एक टेंशन तो हमेशा है कि क्या मेरा डेटा वहां सुरक्षित है दो यू कम इन एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं एसएलए सर्विस लेवल एग्रीमेंट जिसमें डेटा ओनरशिप को अच्छी तरह से क्लेरिफाई किया जाता है बट स्टिल स्टिल देयर विल बी यू नो चांसेस ऑफ लीकेज और ये यहां जाके आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल्ड जो है यहां डेटा ज्यादा सिक्योर्ड होगा एज कंपेयर टू द क्लाउड क्लाउड एप्लीकेशन में एक और प्रॉब्लम है जहां आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है दैट दैट प्रॉब्लम इज द द यू विल हैव टू एक्सेस थ्रू इंटरनेट और हम सब जानते हैं इंटरनेट इज हॉस्टाइल देयर लॉट ऑफ हैकर्स सिटिंग देयर और हो सकता है कि आपका डेटा वर्ल्ड ट्रांजिट ही क्या हो जाए हैक है हो जाए क्वाइट पॉसिबल तो क्लाउड एप्लीकेशन में डेटा सिक्योरिटी कंसर्न है हालांकि उसके रेमिडीज भी हैं बट कंसर्न इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में आपका डेटा क्या होगा ज्यादा सिक्योर्ड होगा नॉट टॉक अबाउट द डेटा स्टोरेज अगर हम डेटा स्टोरेज की बात करें तो हम कहते हैं ये तो बड़ा सिंपल है समझना सर इन द केस ऑफ इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन माई डेटा इज स्टोर्ड इन माई लोकल कंप्यूटर सिस्टम लोकल सर्वर ठीक है बट इन द केस ऑफ क्लाउड एप्लीकेशन में डेटा इज स्टोर साइट है ना वो वेंडर के सिस्टम में हमारा डेटा स्टोर पे हमारा डेटा स्टोर है और जहां हम उस डेटा को ऑनलाइन एक्सेस कर पाएंगे तो स्टोरेज इंस्टॉल्ड की बात करें तो लोकल कंप्यूटर में क्लाउड की बात करें तो वेब सर्वर पे सो दिस इज वॉट वी कैन सी हियर एज फार एज योर डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा स्टोरेज इज कंसर्न द नेक्स्ट वन इज द परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यू विल फाइंड कि इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के केस में योर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी हाई अब पूछोगे कैसे भाई तो हम कहते हैं सर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में आर एप्लीकेशन एंड डेटा इज़ इज़ सिचुएटेड लोकली सो हमारे लोकल सर्वर पे ही हमारा डेटा है और जब हम एक्सेस करते हैं तो बहुत तेजी से बहुत फास्ट एक्सेस कर सकते हैं यहाँ स्पीड ऑफ एक्सेस इज वेरी हाई तो जाहिर सी बात है इफ स्पीड ऑफ एक्सेस इज वेरी हाई देन द परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी हाई बट इन द केस ऑफ क्लाउड एप्लीकेशन वी आर डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड स्पीड ऑफ द इंटरनेट विल डिफाइन द स्पीड ऑफ योर एक्सेस तो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन इज गोइंग टू परफॉर्म बेटर एज कंपेयर टू क्लाउड एप्लीकेशन बिकॉज

सो so, यहां अगर आप नंबर ऑफ फीचर्स की बात करें कि इंस्टॉल्ड और क्लाउड में कहां ज्यादा फीचर्स आपको मिल सकते हैं तो यू विल सी दैट एज फीचर्स आर कंसर्न इन टर्म्स ऑफ फीचर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन इज मोर फ्लेक्सिबल बट इफ यू गो टू द्लाउड एप्लीकेशन यू दैट द कैपिटल एक्सपेंसिस यू आर गोइंग टू एनकर ऑपरेशनल एक्सपेंसेज यू आर गोइंग टू फेस देयर इज वेरी लो

फैक्टर्स के आधार पे आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को और क्लाउड एप्लीकेशन को जो अभी-अभी आपने सुना सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड एप्लीकेशन का डिफरेंस नमनिक हमेशा याद रखना हमें क्या बोलेंगे पम्मी दीदी इस फ्लेक्सिबल वे पी स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस ए स्टैंड्स फॉर एक्सेसिबिलिटी एम स्टैंड्स फॉर मोबाइल एप्लीकेशन आई स्टैंडेशन एंडिनेशन आपका जेनवे हो या फिर आपका मे ट्वेंटी हो पूरी तरह से कंसेंट्रेट रहना है आपको अपने स्टडीज को लेकर और हमेशा इन डेफ स्टडी करना क्लास नोट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट वही बाइबल है वही गीता है वही कुरान है 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 ना सो क्लास क्लास नोट्स नोट्स से यू हैव टू स्टिक विद द अच्छी तरह रिवाइज करना कीप अंडरलाइनिंग कीप हाईलाइटिंग एंड मल्टीपल रिविजन इज मास्ट क्या करेंगे आप मल्टीपल टाइम रिविजन करेंगे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करना है रट्टाफिकेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है कोशिश करिएगा कि आप कॉन्सेप्ट को समझें नोट सेक्शन जो आपके क्लास नोट्स में उन नोट सेक्शन को अच्छी तरह से देखिएगा इट विल बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम हो कहीं भी भी कोई डिफिकल्टीज हो लेट मी नो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फेसबुक ऑन इंस्टाग्राम ऑन टेलीग्राम ऑन व्हाट्सएप और यूट्यूबल एवरीवेयर राइट यू कैन सिंपली सेंड मी मैसेज फेसिंग एनी डिफिकल्टीज नाउ एज your requests are concerned बहुत सारे रिक्वेस्ट आए मुझे थ्रू व्हाट्सएप आई गॉट रिक्वेस्ट एंड देन देर रिक्वेस्ट ऑन यूट्यूब एज वेल देन सम रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक वेल अबाउट द टॉपिक्स यू गाइज वॉन्ट टू वॉन्ट मी टू डू फॉर यू राइट सो ठीक है। मैं उन टॉपिक्स टॉपिक्स को भी इंक्लूड करता हुआ जिन के लिए आप मुझे लगातार फीडबैक दे रहे हैं उन टॉपिक को भी आपको शॉर्ट वीडियो सीरीज में मैं इंक्लूड करता हुआ चलूंगा सो दैट्स इट दैट्स टूडेज सो थैंक यू एवरी वन केयर